नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, इन्फोसिस के नतीजे भी आ गए दोस्तों, और शानदार खुशखबरी भी आई है इन्वेस्टर के लिए दोस्तों। डिविडेंड भी अनाउंस किया है दोस्तों, और साथ ही साथ बायबैक भी अनाउंस किया है दोस्तों। तो दोनों के बारे में, डिविडेंड और बायबैक के बारे में सब कुछ डिटेल में जान लेंगे दोस्तों। तो वीडियो ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए, सब कुछ में परत दर परत सब एक एक डिटेल बताऊंगा दोस्तों। और ओवरऑल जो कुछ है दोस्तों, आगे की स्ट्रैटेजी क्या है दोस्तों, वो भी बताऊंगा दोस्तों। तो ओवरऑल देखिए दोस्तों, तो इन्फोसिस अगर आप पिछले 6 महीने से देखें दोस्तों, तो कोई खास रिटर्न नहीं है दोस्तों, -9% का ही रिटर्न रहा दोस्तों। शेयर देखिए दोस्तों, आप ये नेगेटिव में ही रहे, नेगेटिव बोलो तो ये दोस्तों, ये स्टैगनेंट वैसे ही उसी रेंज में है ना, उसी दायरे में घूम रहा है दोस्तों। और ईयर टिल डेट भी देखिए दोस्तों, तो भी दोस्तों इसकी जो ढलान की तरफ ही नीचे ही गया है, बड़ा भी नहीं। और पिछले 1 साल का भी अगर अपन रिटर्न निकाल के देखते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर भी कोई खास नहीं। तो दोस्तों ओवरऑल दोस्तों, अगर 1 साल का अगर पूरा पिक्चर देखें, तो कोई खास रिटर्न नहीं है इन्फोसिस में। लेकिन दोस्तों ये जो टाइम लगन दिख रहा है दोस्तों आपको, है ना, 1400, 1450 या 1300, 1350 में भी आपको मिलता है दोस्तों, तो डेफिनेटली इसको, है ना, बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए दोस्तों। क्योंकि इसका जो बायबैक का न्यूज़ के कारण दोस्तों, है ना, आपको, है ना, ऊपर के लेवल डेफिनेटली देखने मिल सकते हैं। क्योंकि जो बायबैक के लेवल जो मैं आगे बताने वाला हूँ दोस्तों, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिगर पॉइंट है दोस्तों। तो वो एक तरह से आपको सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है कि, ये ना, वहाँ तक तो शेयर जा सकता है, या नहीं भी गया तो बायबैक में अगर आप टेंडर करते हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली उतना ऊपरी लेवल आएगा। और दोस्तों वैसे भी अभी डॉलर वगैरह काफ़ी बढ़ गया है दोस्तों, है ना, उसके रेट, तो उसका बेनिफिट वगैरह भी इसको मिल सकता है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, मैं ना आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो इसके रिजल्ट्स आए दोस्तों, वो भी ब्रीफ में बता देता हूँ दोस्तों, है ना। ये जो इन्होंने पेश किए दोस्तों, देखिए दोस्तों, रेवेन्यू भी काफ़ी बढ़ के आया है दोस्तों, है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है आप लोगों को दोस्तों, करीब करीब 31,000 करोड़ का रेवेन्यू आया। नेट प्रॉफिट उसमें से 6,000, ये जो पहला कॉलम देख रहे दोस्तों, है ना, सेप्टेम्बर वाला, तो ये एज़ कम्पेयर टू ये जून देखिए दोस्तों, तो काफ़ी सब कुछ बढ़ के आया है दोस्तों। नेट प्रॉफिट भी बढ़ के आया है दोस्तों, और EPS अर्निंग पर शेयर जो है दोस्तों, वो भी बढ़ के आया है दोस्तों। और साथ ही साथ कैश पर EPS दोस्तों, वो भी बढ़ के है दोस्तों। तो ओवरऑल देखा जाए तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा है दोस्तों, उम्मीद के मुताबिक ही रहा दोस्तों, और ठीक ठाक रहा परफॉर्मेंस। जो ये लास्ट लाइन जो आपको दिख रही है दोस्तों, है ना, वो भी काफ़ी बढ़ गया। जो इसका ओवरऑल स्कोर है जो इम्प्रूव हुआ है 11 से, फ्रॉम 8, जो पिछले 3 महीने में जो इसका 0.8 पॉइंट था दोस्तों, वहाँ से इसका जो स्कोरिंग पॉइंट है अभी 11 पे आ गया। तो ओवरऑल फाइनेंशियल देखे तो काफ़ी ठीक ठाक है दोस्तों, वो एज्यूम करते हुए दोस्तों, आगे चल के स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, ये लेके चलेंगे दोस्तों। और जो दो मेन ट्रिगर है जिसके कारण स्टॉक और अच्छा परफॉर्म कर सकता है दोस्तों, डिविडेंड दोस्तों, डिविडेंड अनाउंस हो चुका है दोस्तों, और इंटरिम डिविडेंड ₹16.50 के डिविडेंड अनाउंस हुआ है दोस्तों। इसकी एक्सडेटेड दोस्तों 27/10/22 के, यानी 27/10 अक्टूबर के पहले आप अगर इसको लेके रखते हैं अपने पास, तो आपको एलिजिबल हो जाएंगे दोस्तों आप लोग ₹16.50 पर शेयर के डिविडेंड। यानी आप लोगों के पास अगर 100 शेयर भी है दोस्तों, तो आपको सीधे सीधे, है ना दोस्तों, करीब करीब 1600-1700 रुपये के आसपास का डिविडेंड डेफिनेटली एलिजिबल हो जाएगा दोस्तों। तो ये मोटा मोटा कैलकुलेशन, और डिविडेंड जो मिलने की डेट है वो 10 नवंबर रखी गई है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों बाय बैक के इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड दोस्तों, मनी कंट्रोल के हवाले से दोस्तों, ये खबर है दोस्तों कि बायबैक के जो है दोस्तों, शेयर वर्थ 9,300 करोड़ का जो है, ये अपने रिवार्ड देने जा रहे हैं अपने शेयर होल्डर को दोस्तों। और जो मैक्सिमम बायबैक प्राइस है दोस्तों, है ना, वो करीब करीब 1850 रखी है, 1850 दोस्तों। यानी कि दोस्तों अभी जो भाव चल रहा है 1400, यानी कि ऊपर से वो अप साइड देखे तो दोस्तों करीब करीब 450 से 500 रुपये के अप साइड रखी है दोस्तों। तो आप चाहो तो ओपन मार्केट जो टेंडर रखा है दोस्तों, है ना, कि ओपन मार्केट में आप कर सकते हैं। तो ये जो है वो अपने अकॉर्डिंगली, ना, शेयर आपको, है ना, बायबैक करके दोस्तों, है ना, वो आपको उतना बहुत मिल सकता है दोस्तों, ये चांसेस है दोस्तों। क्योंकि ओपन मार्केट रखा है इन्होंने दोस्तों, है ना, तो उसका एक बेनिफिट आपको मिल सकता है कि ऊपर की जो साइड है दोस्तों, एक सेफ्टी मिलती है दोस्तों, अगर ये शेयर आप लोअर प्राइस में भी लेते हैं तो दोस्तों। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया, ठीक ठाक है, पॉजिटिव न्यूज़ है दोस्तों, अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखे दोस्तों इन्फोसिस के बारे में दोस्तों। तो ये था अपडेट दोस्तों रिगार्डिंग इन्फोसिस के बारे में दोस्तों, उसके क्वार्टरली रिजल्ट, बायबैक और डिविडेंड के बारे में दोस्तों। वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट कर देना, और कुछ जाना है डेफिनेटली कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ moneyfirst.channel के आईडी से, और फेसबुक पेज भी है दोस्तों मनी फर्स्ट के नाम से। और दोस्तों मेरे जाने से पहले अगर प्रीवियस वीडियोज़ भी छोड़ा चेकआउट कर लीजिए दोस्तों, अगर वो देखा नहीं है दोस्तों। ये गोल्ड स्टॉक, गोल्ड से रिलेटेड जो पास स्टॉक है, दमदार स्टॉक है, उसके बारे में दोस्तों, गोल्ड में इन्वेस्ट करें, काफ़ी शानदार वीडियो, डेफिनेटली चेकआउट कर लीजिए दोस्तों।